हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। अगर जो जो बच्चे अभी तक वो क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तो आपका ग्रुप में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके अटेंड कर सकते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज जो है हमें क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ना था। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से करना था। ओके और आई थिंक देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छे से समझेंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि आपका डाउट वहाँ से सॉर्ट आउट कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो था कि देयर वेयर 6,325 शीट्स ऑफ पेपर इन वन बंडल, यानी कि एक बंडल में इतने नंबर ऑफ पेज शीट्स होते हैं पेपर, ठीक है। यानी कि ये बोले कि अब एक पैकेट में आपको बताया कि 10 पेंसिल्स है एंड 3,175 इन अनदर, तो हाउ मेनी शीट पेपर वेयर देयर इन बोथ बंडल्स, यानी कि एक बंडल में इतना शीट पेपर था और दूसरे बंडल में इतना था, तो दोनों मिला के कितना हुआ। अब जब नॉर्मल ऐसे बात करें, दूसरे एग्जांपल्स में बताएं कि मान लो अब एक बंडल में आप लाए तो 10 था, फिर दूसरे बंडल में 20 हुआ, तो अब दोनों मिला के कितना होगा, दोनों मिला के कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे सर ऐड कर देंगे और ऐड करके 30 आंसर आएगा, तो 30 होगा। ओके तो सिमिलरली इसी तरह से हमें करना था, इसमें इसी तरह से हमें देखो करना है, ठीक है। आपके लिए हम देखो समझा रहे हैं यहाँ पे। देखो अब क्वेश्चंस में हमें ये दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, इसलिए हम बार बार स्टेटमेंट सारा क्वेश्चंस करके आपके लिए बता रहे ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझो और बाद में खुद से कर सको। देखो क्वेश्चन में दिया था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में दिया हुआ था स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर इन फर्स्ट बंडल, यानी कि पहले बंडल में जो कितने शीट के पेपर थे तो उसका नंबर लिख दिया 6,325, यानी कि पहले बंडल में 6,325 पेपर्स था और दूसरे बंडल में तो लिखेंगे नंबर ऑफ, एनओ से नंबर है पहले बताए थे आपको, नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर इन सेकेंड बंडल, BUNDLE बंडल, यानी कि जो दूसरा बंडल था उसमें शीट कुल पेपर की संख्या कितनी थी, तो 3,175। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या करना था हमें, अब बताना था टोटल नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर क्या हुआ। हमें क्वेश्चन में बताना था कि टोटल नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर कितना हुआ, यानी कि तो लिखेंगे हेंस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर इन बोथ बंडल, यानी कि दोनों बंडल में मिला के कुल जो है पेपर की संख्या कितनी होगी। तो अभी बताए थे कि आप दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, आप दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ओके आई थिंक देखो आप लोग समझ में आ गया होगा, अगर जो समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना समझ में आ रहा है या नहीं, और जो कोई डाउट होता है तो भी आप हम लोग हमें बताएं ताकि आपकी अगले क्लास में वो डाउट क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 जो है सबका हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। आप लोग तो इसे एक बार दो बार तीन बार जितने बार भी चाहे देख कर सकते हैं और चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो। ओके तो आई थिंक देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो सभी का हो गया होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7th में जो था स्टूडेंट्स, 7th में जो हमें सॉरी 5 के बाद 6 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है देयर वेयर 3,625 बॉयज, इतने बॉयज हैं एंड 2,635 गर्ल्स इन ए स्कूल, एक स्कूल में जो बॉयज़ की संख्या यानी कि जो लड़के हैं उनकी संख्या इतनी है और गर्ल्स की संख्या इतनी है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रंस वेयर देयर ऑल टुगेदर इन द स्कूल, यानी कि कुल मिला के तो अब बच्चों की संख्या कितनी हुई हमें ये बताना था। अब देखो आप सिंपल बता सकते हो कि जैसे आप देखो आपकी क्लास में मान लें वॉयज, आपको हम इमेजिन कर लेते हैं कि आपकी क्लास में वॉयज की संख्या 15 थी, 15 थी, और जो गर्ल्स की संख्या है वो 12 है, गर्ल्स की संख्या जो है 12 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा। स्टूडेंट्स जल्दी से बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा, यस 17, कितना होगा 27, कितना होगा 27। तो आप लोग कैसे किए,
ये दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड। हम आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि जहाँ भी आपको प्लस का, जहाँ भी टोटल निकालना हो आप लोग क्या करोगे, ऐड करोगे। जहाँ भी टोटल निकालना है आप लोग क्या करोगे, ऐड करोगे। तो आई थिंक देखो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से ऐड को करना था, किस तरीके से ऐड को करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसका स्टेटमेंट कैसे बताएंगे हम लोग, तो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे आप लोग यहाँ से देखो। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल, यानी कि जो स्कूल में बॉयज की, लड़के की संख्या कितनी थी, तो कितना स्टूडेंट्स 3625, कितना था 3625। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल, यानी कि जो गर्ल्स की संख्या था वो कितना था, तो 2635। और बॉयज कितना था स्टूडेंट्स 3625। और यहाँ पे क्या था, टोटल नंबर, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन अ स्कूल, यानी कि कुल बच्चों की संख्या, चिल्ड्रेन के जितने भी बच्चे थे उसके सारे संख्या कितने होंगे, तो प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, प्लस कर देंगे। ओके, और फिर नीचे लिखेंगे हेंस हेंस टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन अ स्कूल, यानी कि कुल बच्चों की संख्या जो थी स्कूल में वो कितना था, तो ऐड करके लिख देंगे। तो आई थिंक देखो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स की यूज किए, देखो बॉयज और गर्ल्स अलग, जब बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के बोलते हैं तो उसमें हम स्टूडेंट्स बोलेंगे, स्टूडेंट्स के अंदर सारे आगे जितने बॉयज और गर्ल्स हैं सारे आगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज किए चिल्ड्रेन। ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रेन क्वेश्चन में भी पूछ रहा था। ओके एवरीवन, गॉट इट, समझ में आ रहा है तो जल्दी से बता देना आप लोग। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सेवन, ये भी देखो कुछ इसी तरह से है, बस आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन में दिया था देयर वेयर 2560 मैंगोज प्रोड्यूस्ड इन वन गार्डन, एक गार्डन में ना इतना मैंगोज प्रोड्यूस होता है, कितना 2560 मैंगोज प्रोड्यूस होता है एक गार्डन में, यानी कि एक बगीचा में इतने आम आता है, एंड 3795 इन अनदर, और 3795 जो होता है वो दूसरे बगीचा में होता है। तो हाउ मेनी मैंगोज वेयर प्रोड्यूस्ड इन बोथ गार्डन्स, दोनों गार्डन्स में मिला के कितने मैंगो प्रोड्यूस होते हैं, दोनों गार्डन में मिला के कितने मैंगो प्रोड्यूस होता है हमें ये बताना था। ठीक है, तो यहाँ भी टोटल पूछ दिया, अब बताया कि एक में मान लो, अब एक में है कि 10 है और एक में होता है 15, छोटे में आप लोग आराम से, तो दोनों मिला के कितना होगा, तो बोलोगे सर 25 होगा, तो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ऐड करके। तो सिमिलरली इसी तरह से आप लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से करना जैसे आप लोग बिल्कुल समझ रहे थे बस। और स्टेटमेंट कैसे है, तो देखो स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं, पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट गार्डन, पहले गार्डन में कितने मैंगो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड गार्डन, दूसरे गार्डन में कितना होता है, पहले क्या लिखे, नंबर ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट गार्डन। ठीक है, तो टू कितना आता था, तो लिखेंगे 2560। फिर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड गार्डन, सेकेंड गार्डन में तो कितना आता था स्टूडेंट्स 3795। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड इन बोथ गार्डन, दोनों गार्डन में मिला के कितना मैंगोज प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे देखो ऐड करके दिखा, ऐड है, ऐड कर लोगे आंसर्स आ जाएगा, ऐड करोगे आंसर आ जाएगा। फिर लिखोगे हेंस टोटल नंबर ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड इन ए गार्डन इक्वल टू करके जो ऐड करके आंसर आएगा, यहाँ से जो ऐड करके ये जो आंसर आएगा ना उसे नीचे भी लिख देना है। ओके एवरीवन गॉट इट, आई थिंक देखो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट कोई क्वारी रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपकी वहाँ से सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से आप लोग देखो, कुछ स्टूडेंट्स को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा कि जल्दी जल्दी नहीं लिख पा रहे, तो आप लोग उसके लिए परेशान नहीं हो। आप लोग देखो ये जूम पे क्लास नहीं है कि चलो एक बार ख़त्म हो गया तो आप लोग नहीं देख सकते,
आप लोग इसे जितने बार भी चाहो अटेंड कर सकते हैं, रोक के आराम से भी कर सकते हो। पहले एक बार चीज़ों को समझ लो, फिर दोबारा से खुद से कोशिश करो, और नहीं आता तो आप लोग दोबारा से देख के भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर एट। इन क्वेश्चन नंबर एट, इफ़ वन फार्मर हैज 1698 काउज, यानी कि एक किसान है उसके पास इतने गाय हैं, कितने गाय हैं 1698, एंड अनदर हैच और दूसरे जो है उसके पास है 3645 काउज, यानी कि जो दूसरा किसान था उसके पास था 3645 काउज, हाउ मैनी काउज डू दे हैव ऑल टुगेदर, तो दोनों मिला के कितने गाय थी हमें ये बताना था, ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर ऑफ काउज दे रखा पहले का, दूसरे का दे रखा है, दोनों मिला के कितना है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो दोनों मिला के हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट्स अगेन ऐड करेंगे। देखो ऐड पूरी स्टेटमेंट हम करके आपके लिए बता रखे ताकि आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ काउज हैव फर्स्ट फार्मर, यानी कि इस तरह इसे हैव को आप लोग पीछे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ काउज फर्स्ट फार्मर हैव, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो वो भी सही होगा। तो कितना था 1698, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ काउज सेकेंड फार्मर हैव, ठीक है पीछे भी लिख देना कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दूसरे फार्मर के पास इतना गाय थी और पहले फार्मर के पास था, पहले जो फार्मर है नंबर ऑफ काउज फर्स्ट फार्मर हैव 1698, और जो सेकेंड फार्मर था उसके पास था 3645। अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ काउज बोथ फार्मर हैव, ठीक है, इक्वल टू क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ऐड कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा, आंसर जो आएगा उसमें लिख देंगे, हेंस टोटल नंबर ऑफ काउज बोथ फार्मर हैव इक्वल टू, फिर प्लस करके जो आंसर आएगा उसे लिख देना। तो आई थिंक देखो सभी स्टूडेंट्स को जितने भी स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन था सभी स्टूडेंट्स को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, स्टेटमेंट का जो भी क्वेश्चन था। अब देखो हमारे पास 6.3.4 एक्सरसाइज है जो बिल्कुल ईजी है, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, और आई थिंक आप लोग इसे खुद से भी कर लोगे, तो इसलिए हम थोड़ा एक दो क्वेश्चन का सोल्व करा देते हैं और आप लोग को होमवर्क्स में करके आना है। 3.4 में ये था स्टूडेंट्स माइनस करना था, वो विदाउट कैरी वाला है वो भी। 3.2 में हम लोग कैरी, 3.5 में हम लोग कैरी वाला सीखेंगे, इससे विदाउट कैरी वाला। और सिंपल माइनस करना है बता 2 में से, यहाँ पे देखो हमें सिंपल माइनस करना है, तो 2 में से 1 जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा 3, तो आप लोग यहाँ पे लिख देगा 3 में से 3 जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 0, तो आप लोग क्या लिख दोगे 0। 6 में से 5 जाएगा, जो बच्चे नहीं समझ में आता पहले 6 लाइन देखो कैसे करोगे, इमेजिन करो आप 6 लाइन खींच लेना 1 2 3 4 5 6, ये सब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। अब पीछे से 5 काट कर 1 2 3 4 5, अब कितना बच गया 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इस तरह से जो स्टूडेंट्स को अगर सब्ट्रैक्ट नहीं आता है आप लोग इस तरीके से करोगे। 9 में से 4 जाएगा बच्चों तो क्या होगा 5, 9 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा 5, तो आंसर्स क्या आ गया 5103, आंसर्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 5103। ओके, तो आई थिंक देखो 3.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या करना था। अब 2 में से 0 को माइनस करेंगे, तो आपको ऑलरेडी पता है कि किसी भी नंबर में से 0 को घटाएंगे तो सेम नंबर रहता है, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 होगा, कुछ स्टूडेंट 0 लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। 7 में से 4 जाएगा बच्चों तो क्या होगा 3, क्या होगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। 3 में से 2 जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 8 में से 5 जाएगा बच्चों तो क्या होगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से कि क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, सॉर्ट आउट करना। आप लोग थोड़ा जल्दी से कर रहे हो, फिर आंसर्स मैच करना है, यहाँ से सभी स्टूडेंट्स मैच करना है, बताना क्या आंसर्स आ रहा है, ठीक है, जल्दी से 1 मिनट्स का टाइम है। और देखो बार बार हम सभी बच्चों को बोलते हैं कि काम आप लोग जो भी कर रहे हो मैथ्स का वो नोटबुक में करो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बुक में काम करके सेंड कर देते हैं, तो ऑलरेडी आपको हम बता रखे हैं हमेशा नोटबुक में काम करो। जब बच्चे का बुक में काम होगा आज से आपकी होमवर्क चेक नहीं होगा,
ठीक है, तो आपकी भी नेम होमवर्क डिफॉल्टर में आ सकता है। इस वजह से सारा काम जो है ना हमेशा नोटबुक में करा करो, मैथ्स की जितनी भी काम होता है बुक में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपकी जब भी स्कूल खुलेगी बुक में दोबारा से सारा काम आपके रिविजन से भी होगा और वहाँ पर फिल कराया जाएगा, इसलिए सारा काम आपको नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो जब तक आई थिंक सबका आंसर आ गया, आठ में एट में से थ्री जाएगा बच्चों तो क्या होगा, फाइव। एट में से थ्री देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एट में से थ्री जाएगा तो फाइव, नाइन में से सेवन जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा टू, नाइन में से सेवन जाएगा तो क्या होगा बच्चों टू, सिक्स में से फोर जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा टू, और फाइव में से टू जाएगा तो क्या होगा थ्री। तो आई थिंक थ्री टू टू फाइव इज आंसर्स, थ्री टू टू फाइव इज आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इस तरह से आप लोग को होमवर्क्स में जो है एक्सरसाइज 3.3 का तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन था वो तो करके आना ही है। एक्सरसाइज 3.3 कहाँ तक करा है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक, क्वेश्चन नंबर 5 to 8, और एक्सरसाइज 3.4 उसके बाद कौन सा करना है, एक्सरसाइज 3.4 आपको कंप्लीट करके आना है, पूरी तरीके से क्या करके आना है, कंप्लीट करके आना है एक्सरसाइज 3.4। तो आई थिंक देखो आपको होमवर्क समझ में आ गया होगा, होमवर्क में क्या था एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 ये करना है होमवर्क में। ओके, तो एवरीवन गॉट इट। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि क्या करना था। तो ओके स्टूडेंट्स, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक आप लोग घर पर सुरक्षित रहिए और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।